बहुत देर हो गई, अब हमें जाना। कहाँ जा रही हैं आप? अभी हमारा दिल नहीं भरा है, अभी मजा ही, अभी यहीं रुक जाइए। और कहाँ जाएंगे हम? आरंबारू के पास तो जाना है, आप तो जानते ही हैं हमसे कहानी सुने बिना उन्हें नींद कहाँ आती है। सब जानते हैं हम, पहले रहीम, फिर शेखू और अब आराम बानो। हम इसे दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं ना, और जो आपके बगैर हमें नींद नहीं आती उसका क्या? खुदा के लिए आजा तब मचैन, आजा तब यहीं रुक जाए ना हमारे पास। नहीं नहीं हमें जाना ही होगा। अब शहंशाह का हुक्म है कि आज आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारा हुक्म मजाक लग रहा है? नहीं, आप जो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ना, उसे देखकर हमें हंसी आ गई। तो ठीक है, जिद है तो जिद ही सही। आज रात हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं जाने देंगे तो आराम बानू यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आने दीजिए उसे, आ जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। तुम्हें आराम बानू ने भेजा है ना? नहीं मलिकाए हिंद, शहंशाह के लिए पैगाम है। पैगाम इस वक्त? बताओ हमें क्या पैगाम है। बख्शी बानू साहिबा और मोमिन के कुछ लोग अंगूरी बाग में आपसे फौरन मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी हाजिर होते हैं। बख्शी बानू? पर वो तो मक्का शरीफ हज के लिए गई थी, लौट कैसे आई? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और हम जैसे कई लोगों को जहाज से उतरवा दिया गया। कहा कि शाह ईरान का हुक्म है कि मुगल सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा सकता। हुजूर, हम अपने मजहब का आखिरी फर्ज अदा करने गए थे, सालों मेहनत करने के बाद हज की रकम जुटा पाए और हमें लौटा दिया गया। बाकी हर रियासत के लोगों को इजाजत दी गई, सिर्फ मुगल सल्तनत के बाशिंदों को उतारा गया, क्यों? हमसे कहा गया कि जाकर शहंशाह को पैगाम दे दो कि जब तक मल्लिकाए हिंद इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तब तक सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा पाएगा। हमारी मदद कीजिए हुजूर। आप सब लोग बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, हमारा वादा है आप सबसे कि आप सब लोग हज जाएंगे। ये मसला तो संजीदा होता जा रहा है जलाल। हाँ शहंशाह, शहजादे सलीम की अभी ताजपोशी भी नहीं हुई है और शाह ईरान ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है, हमें ताजपोशी रोक देनी चाहिए। परंतु शहंशाह सलीम को पता चलेगा कि एक बार फिर से उनकी ताजपोशी रोक दी गई है तो न जाने कैसा महसूस करेंगे वो। ताजपोशी तो होगी। कल ही होगी। इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। इजाजत है। सल्तनत के कायदों के मुताबिक शहंशाह अपने फर्जंद को पहले वलीहद और फिर शाह का खिताब देता है। हमने खूब सोचा और फैसला किया कि आज हम वो रस्म निभाएंगे और देखना चाहेंगे कि मैं रोकने की जरूरत कौन करता है। हम तमाम खवातीन और हजरात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं।
शहजादे मुराद हमारे फर्जंद हैं और हमारी मुस्लिम बेगम से जायज औलाद भी है, इसलिए हमें लगता है कि शाह ईरान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी आवाम के लोगों को हज जाने से नहीं रोकेंगे और ना ही हम पर हमारी जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए कोई दबाव डालेंगे। हमें नहीं लगता कि अब शाह ईरान को कोई एतराज होगा। मुबारक हो बादशाह, मुबारक, मुबारक हो शहंशाह, मुबारक हो। ने क्या कर डाला, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जोधा बेगम, सलीम का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है। ये जलाल ने ठीक नहीं किया, ये सलीम का हक था। और मुझे लगता है कि हमारे फैसले पर किसी को एतराज नहीं हो, क्योंकि ये शहंशाह का फैसला है। मरियम उस जमानी तशरीफ ला रही हैं। सलीम बेटा, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बहुत नाराज हो तुम। मरियम उस जमानी, याद है ना एक बार आपने क्या कहा था कि जब बेटा बाप के कद के बराबर का हो जाए, जब बाप के पांव की जूती उसके पैर में आने लगे, तब उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का हो जाता है, यही कहा था ना आपने। शहंशाह ने जवाब मांगा था हमसे और बदले में जो किया उससे हमें लाजवाब कर दिया उन्होंने। मुराद को शाह बनाया, इस बात का गम नहीं हमें, मुराद भाई है हमारा। गम हमें इस बात का है कि सबके सामने बुला के हमें इस तरह से जलील किया। मल्लिका हिंद, रीम, हम तुम्हारी मासा है, मल्लिका हिंद नहीं। और बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका प्रभाव तुमसे अधिक हम पर हुआ है, हमें खेद है इस बात के लिए। अफसोस जताने के अलावा आप कर भी कह सकती हैं, और किसी की क्या मजाल जो शहंशाह के खिलाफ जाकर कुछ बोले। आप भी नहीं मरियम अज़मानी। सलीम, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि शहंशाह ने जो कुछ भी किया उसके पीछे अवश्य कोई गहरा कारण रहा होगा। कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके कि हमें सबके सामने जलील करना चाहते थे। अगर मुराद को ही अगला बादशाह बनाना चाहते थे तो हमसे कह देते, हम खुशी खुशी अपना ताज अपने भाई को दे देते। मगर इस बात से साफ ये जाहिर होता है कि शहंशाह को ना तो हमारी फिक्र है और ना ही हमारे जज्बात की। शहंशाह को सिर्फ सवाल करने का हक नहीं है, कुछ सवालों के लिए वो भी जवाब दे हैं। शहंशाह को इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों, क्यों हमारी जगह उन्होंने मुराद को चुना, क्यों, क्यों हमें शाह नहीं बनाया गया, क्यों हमारा हक हमसे छीना गया। सलीम, सलीम हमारी बात सुनो। शहंशाह होने के नाते तो आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, पर आप इस परिवार के मुखिया हैं, उसके नाते आप परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? दोनों पुत्रों के बीच में आई दूरियों को आप कम कैसे करेंगे? शहंशाह, आपके इस निर्णय से सलीम मुराद, सलीमा बेगम, रुकाया बेगम, अम्मी जान कोई भी प्रसन्न नहीं है। आज इस पलड़े के एक ओर आपका परिवार है तो दूसरी ओर प्रजा की खुशियां, आप संतुलन कैसे बनाएंगे? शहंशाह हमारी बात मानिए, आप जल्द से जल्द सलीम को बुलाइए और उनसे बात कीजिए, कहीं सलीम को ऐसा न लगे कि शहंशाह के फर्ज के कारण आपने अपने बेटे को सजा दे दी, कहीं इस वजह से सलीम सदा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। यकीन मानिए हमारा, कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शेखों से बात करना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि शेखों की हालत देखकर हमारा फैसला कमजोर पड़ जाता, इसीलिए हमने उनसे बात नहीं की। और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस वक्त शेखों बहुत खफा हैं हमसे। जी, क्रोधित तो वो बहुत है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।